चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का टेक 80 पर एक बार फिर से। मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट से आ रही है, पर थोड़े एग्जाम चल रहे थे ना, इसलिए थोड़ा लेट। पर अब से मैं डेली वीडियो डालूंगा, अब से डेली। तो अब से हम सोलो कॉन्करर पुश करेंगे और मैं डेली अपने हाईलाइट्स अपलोड करूँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर से एंड कर देखिए। तो यहाँ पे हो रहे थे हम टेक सेंटर में, तो यहाँ पे एक बंदा होता था मेरे साथ। अब देखिए कैसे भरते हैं इसको। तो यहाँ पे टेक सेंटर में बस एक ही बंदा उतरता है, फिर हम यहाँ पे थोड़ी लूट करते हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत बॉट भी आते हैं तो उन्हें मार लेते हैं पहले। तो टेक सेंटर में निकलने बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ से फायरिंग आती है। अब देखिए कैसे भरते हैं इसको। जो ये होता है ये बॉट नहीं होता, ऊपर एक बंदा होता है। तो यहाँ पे मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया पूरा, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप भी सोलो कॉन्करर पुश करें तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी जल्दबाजी में रस मत कीजिएगा, कभी भी रस मत कीजिएगा। हमेशा ऐसी जगह उतरिए जहाँ पे कोई बंदा ना हो। अगर आप इसी जगह उतरेंगे तो मरने के चांस बहुत कम आते हैं। और हमेशा जोन के सेंटर को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप सेंटर नहीं पकड़ पाते तो जोन एजेस में रहिए। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे जॉर्जिया पुल की साइड, और मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा, पर मैं गलत था। यहाँ पे एक नहीं, दो बंदे होंगे। अब देखिए गाइस, इस बंदे को कैसे भरते हैं। ऐसे मतलब कभी ये भूल भी नहीं पाएगा, मतलब ऐसा सीन हुआ इसके साथ। तो गाइस, अगर आपको ये सीन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़रूर से। और अगर चैनल पे नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे एक इस बंदे को भरने के बाद और एक भी बंदा होता है जो पीछे की साइड आ रहा होता है। मैं यहाँ पे लूट करता हूँ और मुझे उसकी फुट स्लिप आती है। अब देखिए उस बंदे को कैसे भरते हैं। इसी के साथ जॉर्जिया पुल खाली हो जाता है। तो उस बंदे को मारने के बाद मैं अपनी टेस्ला लेके यहाँ पे जॉर्जिया पुल की पहाड़ी पे आता हूँ। यहाँ पे एक टावर पे एक बंदा होता है, मैं यहाँ पे स्कोप खुल के देखने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं दिखता। तो उसका मैंने बहुत देर तक वेट किया, फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने आता हूँ। मुझे यहाँ से AW मिल जाते, पर गाइस इस मैच में हमारा चिकन डिनर नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने जो गलती की आप वो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कभी भी ओपन में फाइट मत लीजिएगा। अब देखिए मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ। जैसे ही मैं स्पॉट करके पीछे आया तभी मुझे पीछे से फायर आता है और मेरी पेटी बन जाती है। तो गाइस, आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लास्ट सर्कल में कभी भी ओपन में फाइट मत लीजिएगा। तो ये है और एक गेम प्ले जिसमें मैं आ रहा था जॉर्जिया पुल सिटी, और यहाँ पे जॉर्जिया पुल सिटी में कोई नहीं आया था सिवाय एक बंदे के। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं। और हाँ गाइस, इस मैच में एक हैकर भी आया होता है और तुम्हारा भाई उसे मारने भी वाला है। तो आप ज़रूर से वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल ठीक मेरे सामने होता है और मैं उसे बॉट फायरिंग देके बुलाता हूँ। अब देखिए बॉट का लालच, मतलब बेचारे की पेटी बन गई। तो जैसे भी थोड़ा सा लीट हुआ तो मैं जल्दी से यहाँ पे मॉली करके मैं दूसरी तरफ से रस कर लेता हूँ। अब देखिए ये समझते हैं। तो इसी के साथ ये बंदा भी क्लियर हो जाता है, और इसके बाद एक बंदा बाइक लेके यहाँ पे आ रहा होता है। अब देखिए इसे कैसे भरते हैं। इसे तो भाई नेट से ही मारेंगे हम। तो गाइस, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा,
पास नेड, मॉली और स्मोक हमेशा भर भर के रखिएगा, क्योंकि लास्ट जोन में यही आपको मदद देगा। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पे गाड़ी लेके यहाँ पे इवेंट वाले में आता हूँ। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा इवेंट वाला इरेंगल ही खेलें, क्योंकि एक तो इसमें हैकर कम आते हैं और दूसरी बात यहाँ पे एक जो नया इवेंट चल रहा है जो मैट्रिक्स वाला, वो आपको इन गेम मतलब TDM टाइप में इरेंगल में मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ फायदे की बात बताऊँ, यहाँ पे जितनी देर भी रहोगे मतलब टाइम अपने आप बीता रहेगा पर बंदे भी अपने आप कम ही होते रहेंगे। तो ये सबसे रैंक में ये सबसे फायदेमंद साबित आपको इवेंट वाला ही खेलना है। तो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ मैं डिप्लॉय कर देता है यासना में, और यासना मेरे पास बहुत सारे कॉइन थे तो मैंने यहाँ पे M24 ऑर्डर कर लिया। तो वहाँ से M24 उठाने के बाद मैं यहाँ पे आता और मुझे यहाँ पे एक गाड़ी आते हुए दिख जाता। देखिए इस बंदे को कैसे भरते हैं। तो इसी के साथ ये वाला बंदा भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़रूर से। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं अपने टेस्ला में यहाँ पे ड्रॉप लेके आता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप बंदा अब तो इसी के साथ ये वाला बंदा भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो गाइस आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऊपर में ड्रॉप मत लीजिएगा। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आता हूँ तो मुझे एक दूर से पड़ती है, मतलब यही बंदा जो होता है ये हैक यूज़ कर रहा होता है, और ये बंदा हम पे रश करने वाला है और हम इसे मारने भी वाले हैं। तो अब देखिए तो वाला बंदा यहाँ पे स्मोक स्मोक करके यहाँ पे मुझ पे रश कर रहा होता है। अब देखिए गाइस डैमेज हुआ वो नीचे कूद गया और मैं भी उसे पीछे पीछे कूद गया। अब देखिए गाइस मतलब वो एक गोली मारेगा मेरा 1 HP हो जाएगा। अब देखिए तो इसी के साथ ये वाला हैकर भी यहाँ पे मर जाता है। तो अब गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए। फिर वहाँ पे उसको ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और गाइस इस वाले मैच में भी हमारा चिकन नहीं हो पाता क्योंकि मैं फिर से वही गलती करता हूँ, बंदे को मारने के चक्कर में खुद मर जाता हूँ पीछे वाले से। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कॉन्करर के डेली गेम प्ले यहाँ पर लाते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।